की ओर ओलंपियन रेसलर फिनेश फोगाट के मामले में अब सियासत सड़कों पर आ गई है। आम आदमी पार्टी ने भिवानी सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन कर विनेश फोगाट के लिए न्याय मांगा और कहा कि हरियाणा सरकार विनेश को गोल्ड मेडल जितना सम्मान व इनाम दे। भिवानी में सड़कों पर उतरे आप नेताओं ने कहा कि विनेश खेल में जीत गई पर राजनीति से हार गई। उन्होंने कहा कि विनेश के साथ साजिश व षड्यंत्र हुआ है, इसलिए हरियाणा सरकार विनेश को गोल्ड मेडल के बराबर सम्मान व इनाम दे। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा कहने को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, असल में भाजपा बेटियों को बैकफुट पर लाने का काम कर रही है। आप नेताओं ने कहा कि 140 करोड़ की जनता न्याय क्यों नहीं दिला सकी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बेटी विनेश को न्याय दिलाएं। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफाई होने पर उनके साथ हर किसी को सहानुभूति है, वहीं विनेश को लेकर सरकार व विपक्ष आमने सामने है। भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। तो मीडिया के साथियों को आम आदमी पार्टी की समस्त टीम की तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार। आज ये जो प्रोटेस्ट किया गया है, हमारे देश का मान सम्मान रखने वाली महिला खिलाड़ी रेसलर जो गोल्ड मेडल की लाइन में सबसे पहले आज खड़ी है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की समस्त टीम प्रोटेस्ट करने जा रही है, क्योंकि हमारी देश का मान सम्मान रखने वाली, देश का नाम ऊंचा करने वाली विनेश फोगाट के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए पूरा भारत देश, हर भारत देश का हर युवा, हर व्यक्ति को दुख है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे देश का नाम ऊंचा करने वाली महिला खिलाड़ी को न्याय मिले, और उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई। वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट होना था, 100 ग्राम वेट ज़्यादा दिखा करके बेटी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हरियाणा के लोगों को मान सम्मान मिले, हरियाणा के लोगों को न्याय मिले, हरियाणा की महिला खिलाड़ियों को न्याय मिले, क्योंकि ये एक ऐसी पहली महिला खिलाड़ी है जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली थी, देश का नाम रोशन करने वाली थी, गोल्ड मेडल लेके आती, देश का नाम रोशन करती। नहीं, हम तो इसको एक साजिश मानते हैं, 100 ग्राम वेट मायने नहीं रखता है। हरियाणा सरकार ने जो क्या शान कर रहे हैं, जब जो महिला खिलाड़ी अपनी मेहनत और संघर्ष के आधार पर गोल्ड मेडल की लाइन में खड़ी थी, उसको अगर सिल्वर मेडल देंगे तो क्या क्या